हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभिपीडिया पावर्ड बाय अभिमन्यु आईएएस। तो सी सेट के पेपर टू की T5 सीरीज के अंदर आप लोगों का आज का हमारा टॉपिक है एवरेज। एवरेज के अंदर देखिए, हर साल अगर हम प्रीवियस ईयर पेपर्स का एनालिसिस करते हैं तो हर साल 2 से 3 क्वेश्चंस आपके एवरेज के अंदर से आते हैं। तो देखिए, 2018 के अंदर आपके 2 क्वेश्चंस एवरेज में से थे और 2019 के अंदर आपके 3 क्वेश्चंस थे एवरेज के अंदर। इसके अलावा 2017, 16 बोथ ईयर्स के अंदर आपके पास में 2 2 क्वेश्चंस थे फ्रॉम एवरेज। तो हम प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस आज डिस्कस कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं आपके फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, क्या है क्वेश्चन? द एवरेज मंथली इनकम ऑफ ए पर्सन इन ए सर्टेन फैमिली ऑफ 5 इज ₹10,000। मीन्स एक फैमिली के अंदर 5 मेंबर्स है और उनकी एवरेज जो है वो कितनी है? 10,000 है। व्हाट विल बी द एवरेज मंथली इनकम ऑफ इफ वन पर्सन्स इनकम रेजेस 12,000, सॉरी 1,20,000 पर ईयर। क्लियर है? तो अब यहाँ पे देखिए, आपको पता होना चाहिए कि एवरेज क्या होती है। अगर आपके पास में जो एवरेज है, एवरेज क्या है आपके पास में? एवरेज होती है नंबर सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन, क्लियर है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ द ऑब्जर्वेशन, यही होता है आपके पास में। तो अगर हम यहाँ पे टोटल सम निकालना चाहते हैं, जो टोटल सम है, तो टोटल कैसे निकलेगा? टोटल इज इक्वल टू होता है आपके पास में, टोटल क्या होगा, एवरेज को अगर हम नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन के साथ में मल्टीप्लाई कर दे तो आपके पास में टोटल आ जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ पे देखिए क्या गिवन है, जो फैमिली है उसके अंदर आपके 5 मेंबर्स है और जो उनकी एवरेज है वो कितनी है? 10,000 है। तो टोटल कितना हो जाएगा आपके पास में? हाँ जी, कि टोटल कितना हो जाएगा? 50,000 हो जाएगा। क्लियर है? 50,000 कैसे आया आपके पास में? 5 मल्टीप्लाई बाई 10,000 इज इक्वल टू 50,000। आई होप क्लियर हो गया। उसके बाद में अपने पास में क्वेश्चन क्या है कि व्हाट विल बी द एवरेज ऑफ द मंथली इनकम इफ वन पर्सन इनकम रेजेस 1,20,000 पर ईयर। यहाँ पे आपके पास में क्या गिवन है? ईयर गिवन है, ठीक है, और यहाँ पे आपके पास में क्या है? मंथली है। तो अगर हम मंथली इंक्रीमेंट चेक करते हैं तो मंथली इंक्रीमेंट कितनी होगी पर पर्सन की? जो वन पर्सन है अगर हम उसकी मंथली चेक कर रहे हैं तो क्या करोगे आप? इसको डिवाइडेड बाय करोगे 12 से। ओके, दैट मीन्स ये आपके पास में वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10,000 आ जाएगी। क्लियर है? हाँ जी। तो अब देखिए टोटल इनकम कितनी होगी आपके पास में? पहले इनकम कितनी थी? टोटल 50,000, और 10,000 वन पर्सन की इंक्रीज हो गई है, तो टोटल अब आपके पास में कितना हो गया है? ये 60,000 हो गया। हाँ जी, कितना हो गया? 60,000 हो गया। क्लियर? नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट विद द एवरेज मंथली इनकम। एवरेज मंथली इनकम, अभी भी टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं आपके पास में? 5। सो डिवाइडेड बाय क्या कर दोगे आप? इसको 5 कर दोगे, तो आपके पास में आंसर कितना आ गया? जब आप इसको कट करते हो तो वैल्यू विल बी 12,000। क्लियर है? हाँ जी, आई होप क्वेश्चन विल बी, क्या था क्वेश्चन? एवरेज गिवन थी आपके पास में 5 मेंबर्स की, 10,000 टोटल हो गया आपके पास में 50,000 सॉरी, ठीक है। अब आपकी 1 पर्सन की इनकम इंक्रीज हो रही है 1,20,000 पर ईयर, दैट मीन्स पर मंथ कितनी इंक्रीज हो रही है आपके पास में? 10,000। नाउ द टोटल विल बी 60,000 एंड द एवरेज विल बी 60,000 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 12,000। क्लियर है? हाँ जी, अगेन ये आपके पास में सॉल्यूशन है जो आप, तो मैंने अभी आपको समझा चुकी हूँ। टोटल आपके पास में यहाँ पे देखिए सेम है, ये हो गया आपके पास में 50,000, यहाँ पे 1,20,000 है, तो आपका जो इंक्रीमेंट हो गया कितना हो गया? 10,000 पर मंथ। सो टोटल विल बी 60,000 एंड द एवरेज विल बी 12,000। क्लियर है? सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, देयर आर 13 टू डिजिट कंसेक्यूटिव ओड नंबर्स। कंसेक्यूटिव ओड नंबर्स का मतलब क्या है कि आपके पास में लगातार 2 डिजिट के कंसेक्यूटिव ओड नंबर्स है, मींस 11, 13, 15 इस तरह से भी हो सकता है, बट उन्होंने स्टार्टिंग नहीं गिवन दी है कि हाँ जी कहाँ से स्टार्ट है। इफ 39 इज द मीन ऑफ द फर्स्ट 5 सच नंबर्स, देन व्हाट इज द मीन? मीन मींस होता है आपके पास में एवरेज ऑफ ऑल द 13 नंबर्स। क्लियर है? सो देखिए यहाँ पे क्या है कि आपके पास में 13 2 डिजिट के नंबर्स हैं। क्लियर? अब 13 के अंदर जो फर्स्ट 5 नंबर्स हैं, फर्स्ट 5 नंबर्स की जो एवरेज है वो आपके पास में कितनी गिवन है? 39। देखो आप इसको 2 तरीके से कर सकते हो। एक तरीका क्या है कि सम ऑफ 5 कंसेक्यूटिव नंबर्स जो है, ओड नंबर्स का जो है आपके पास में,
ठीक है, वो आपका जो कितना हो जाएगा 39 × 5, और उससे आप फर्स्ट डिजिट फाइंड आउट कर लोगे। क्लियर है? क्योंकि ये आपके पास में क्या हो गई है, एक एपी बन गई है, ठीक है। और उसके बाद में जब आपके पास में फर्स्ट नंबर आ जाएगा तो आप लास्ट नंबर भी फाइंड आउट कर सकते हो और सम ऑफ नंबर्स फाइंड आउट कर सकते हो। दोनों मेथड्स हैं आपके पास में, क्लियर है। तो अब देखिए दूसरा जो मेथड है वो कैसे आप कर सकते हो। ये आपका जो है, पहले मैं आपको एक सिंपल मेथड बता रही हूँ, जो ये मेथड है ये भी मैं आपको बताऊंगी, क्लियर है। अब देखिए एवरेज, अगर मान लीजिए सिंपल मेरे पास में कोई कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं, मान लीजिए मेरे पास नंबर है 11, सो 13 एंड 50, तो इसकी एवरेज क्या होगी। अगर कंसेक्यूटिव इवन नंबर है या ओड नंबर है तो हमेशा देखिए एवरेज आप कैसे निकाल सकते हो। इसको आप स्किप कर दो, इसको स्किप कर दो, क्या बच गया आपके पास में 13, 13 क्या हो जाएगी आपकी एवरेज हो जाएगी, बिल्कुल इजी है। तो अगर हम इसी तरह से लेते हैं तो इसने क्या कहा, इफ 39 इज द मीन ऑफ द फर्स्ट फाइव का मीन क्या है 39 है, दैट मीन्स आप क्या करोगे 39 को सेंटर में रख लीजिए, ठीक है जी। अब दो नंबर आपके इधर आएंगे आपके लेफ्ट में और दो नंबर आपके आ जाएंगे राइट में। अब कंजिक्यूटिव ओड नंबर्स हैं, दैट मीन्स 49 के बाद क्या आएगा आपके पास में 41, यहाँ पे क्या आ जाएगा 43, इधर क्या आ जाएगा आपके पास में 37, और इधर क्या आ गया आपके पास में 35, क्लियर। अब हमें यहाँ से पता चल गया कि हमारा जो फर्स्ट नंबर कितना आ रहा है 35 आ रहा है। अब टोटल नंबर कितने हैं, टोटल नंबर इसने कितने बताए हैं आपके पास में, हाँ जी आपके पास में टोटल कितने नंबर्स हैं, 13 नंबर्स हैं। देखिए यहाँ पे इवन है कि 13 टू डिजिट नंबर है, तो फर्स्ट नंबर हो गया 35, तो लास्ट नंबर कहाँ पे जाएगा, लास्ट नंबर क्या होगा, टू टू का गैप है, देखिए यहाँ पे आपके पास में टू का गैप है, ठीक है। तो 12 नंबर और हो जाएंगे, तो 12 नंबर्स के अकॉर्डिंग आपके पास में जो लास्ट नंबर होगा, लास्ट नंबर क्या हो जाएगा, इसके अंदर हम देखिए टू टू का गैप है, इसको जब मैं ऐड करती हूँ दैट मीन्स कि मेरा जो लास्ट नंबर है दैट विल बी 59। अब मुझे यहाँ से मेरा फर्स्ट नंबर पता चल गया, ठीक है, और मेरे पास में लास्ट नंबर भी मुझे पता है, क्लियर। अब क्या कह रहा है कि आपको क्या बताना है कि 13 नंबर्स का एवरेज कितना होगा। तो अब 13 नंबर का एवरेज, एवरेज कैसे निकालेंगे आप, सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाई द नंबर ऑफ द ऑब्जर्वेशन। तो सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन अगर हम करते हैं तो दिस इज एपी, और एपी के अंदर सम क्या होता है आपके पास में, एन बाई टू इंटू फर्स्ट टर्म इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, क्लियर है, हाँ जी बिल्कुल क्लियर है। अब ये आपके पास में क्या हो गया, टोटल आ गया। अब हम ये है आपके पास में टोटल, और अगर आपने एवरेज फाइंड आउट करनी है तो एवरेज के केस में आप क्या करोगे, डिवाइडेड बाई एन करोगे, तो ये आपका एन से एन कैंसिल आउट हो गया, दैट मीन्स आपकी जो एवरेज है वो कितनी आ जाएगी, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइडेड बाई टू। और यहाँ पे आपके पास में जो फर्स्ट नंबर है दैट इज 35 एंड योर लास्ट नंबर इज 59, क्लियर है। तो इसको अगर मैं करती हूँ डिवाइडेड बाई टू तो आपके पास में वैल्यू क्या आ गई, यह आपके पास में हो गया 9514 एंड दिस विल बी 9 डिवाइडेड बाई टू, तो आपके पास में वैल्यू कितनी आ जाएगी 47, क्लियर है, हाँ जी। देखिए भी बिल्कुल आसान है आपका, ठीक है। दूसरा जो मेथड है जो मैंने अभी बताया कि हाँ जी लास्ट टर्म का, वो भी मैं अभी आपको बता रही हूँ, पहले ये एक बार समझ लीजिए बिकॉज दिस मेथड इज इजी। अब यहाँ पे देखिए क्या किया मैंने, अब इसने बताया है कि जो फर्स्ट फाइव नंबर है उसका मीन आपके पास में कितना है 39 है, 39 है। टू मैंने नंबर्स ले लिए आपके स्टार्टिंग के, टू नंबर्स ले लिए मैंने एंड के, तो हमारे पास में हमें स्टार्टिंग नंबर पता चल गया, स्टार्टिंग नंबर क्या है फर्स्ट नंबर 35। अब 13 नंबर्स है और हर एक का गैप कितना है, टू टू का है, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर तो है ये, बाद में कितने नंबर आएंगे, 12 नंबर्स आएंगे, 12 मल्टीप्लाई बाई टू दैट मीन्स 24 टोटल करा तो मैंने लास्ट नंबर मेरे पास में आ गया कितना 59, क्लियर। अब सम ऑफ नंबर्स क्या होता है आपके पास में एपी के अंदर, एन बाई टू इंटू फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट टर्म। अब फर्स्ट नंबर ये आपके पास में होता है सम, और एवरेज क्या होता है, सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ द ऑब्जर्वेशन, एंड द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज अगेन एन, एन से एन आपका कैंसिल आउट हो गया, तो आपके पास में एवरेज का फॉर्मूला क्या बच गया, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइडेड बाई टू। आप इसको सोल्व करोगे तो आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 47, सो 47 विल बी दी योर
करेक्ट आंसर, क्लियर है। अब अपना दूसरा मेथड देख लेते हैं। दूसरे मेथड के अंदर हम क्या करेंगे कि यहाँ पे देखिए जो 39 है ये 5 नंबर्स का, 5 कंसेक्यूटिव नंबर्स का मीन है। मीन है तो टोटल कैसे निकालोगे आप, 35 मल्टीप्लाई बाई 5, ठीक है। तो ये आपके पास में वैल्यू कितनी आ जाएगी, 195 आ जाएगी। अब सम ऑफ 5 नंबर्स कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो ये एपी है सो नंबर ऑफ कैसे करोगे, एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन डी, ये आपका सम का फॉर्मूला होता है। तो जब आप इसको पुट करोगे तो यहाँ से आपके पास में फर्स्ट टर्म आ गई कितनी, 35। अब लास्ट टर्म का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास में, एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन डी, क्लियर। तो इससे हमारे पास में यहाँ पे जो नंबर है आपका, ठीक है, तो आप यहाँ से लास्ट टर्म निकालना चाहो तो लास्ट टर्म भी फाइंड आउट कर सकते हो, अदरवाइज आप डायरेक्टली सम निकाल सकते हो। सम का फॉर्मूला क्या था हमारे पास में, देखिए यहाँ पे भी मैंने लगा एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन डी, तो यही सेम फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, इससे हमारे पास में टोटल सम आ जाएगा। कितना सम आपके पास आ गया, 611। अब आपके पास में टोटल सम आ गया, अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, मीन या फिर एवरेज आपको फाइंड आउट करना है। तो एवरेज के लिए क्या करोगे, देन डिवाइडेड बाई 13 करोगे तो आपके पास में वैल्यू आ जाएगी 47। देखिए इस मेथड के अंदर क्या है, आपकी कैलकुलेशंस ज्यादा है, बट जो हमने अभी मेथड पहले किया था इसके अंदर आपकी कैलकुलेशंस देखिए कितनी कम है। ये भी मैंने आपको समझाने के लिए इतना लिखा है, अदरवाइज आप डायरेक्टली इसको कर सकते थे, क्लियर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। अगर आपको कोई भी डाउट आ रहा है क्वेश्चन के अंदर तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। आई होप मैं कोशिश करूंगी कि आप लोगों के डाउट्स को साथ साथ में क्लियर करवाती हुई चलूं। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, क्या है द एवरेज आर्ली इनकम। अब ये क्वेश्चन जो है ये आपका कब आया था, सीसेट 2018 के अंदर आया था। 2018 के अंदर आपके एवरेज बेस्ड टू क्वेश्चंस थे एंड द बोथ टू क्वेश्चंस वर बी डीआई बेस्ड और आपका ग्राफ बेस्ड जो क्वेश्चंस थे। एक अभी ग्राफ मैं आपके सामने लेके आई हूँ, तो यहाँ पे देखिए क्या है द एवरेज आर्ली अर्निंग पर ईयर ई ऑफ द वर्कर्स इन द फर्म आर रिप्रेजेंटेड इन द फिगर्स ए एंड बी। आपके पास में दो फिगर्स गिवन है, क्लियर है, और यहाँ पे आपके पास में ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, हाँ जी क्या रिप्रेजेंट करना है, अर्निंग्स पर ईयर, क्लियर। तो यहाँ पे देखिए हम पहले दोनों ग्राफ्स को एनालाइज करते हैं कि हाँ जी ग्राफ के अंदर क्या दिया हुआ है जो आपकी फिगर्स है। तो यहाँ पे देखिए 2013 के अंदर अगर हम देखते हैं तो आपकी जो आर्ली अर्निंग है वो कितनी है, 20, मीन्स 2013 के अंदर आपकी जो आर्ली इनकम है, आर्ली इनकम है वो कितनी है आपकी पर ईयर 20, क्लियर। अब अगर इसके अंदर देखते हैं हम तो यहाँ पे भी आपके पास में देखिए अगर 2013 आप देख रहे हो तो जो आपकी आर्ली इनकम है वो कितनी गिवन है, 20। तो यहाँ पे भी आपके पास में क्या है, 2013 के अंदर जो आर्ली इनकम है वो कितनी है, हाँ जी कितनी गिवन है आपके पास में, 20। इसी तरह से नेक्स्ट देखिए, ये आपके पास में अगर हम 14 की बात करते हैं तो कितनी है, 25, और यहाँ से अगर हम 14 की बात कर रहे हैं तो ये 20 30, तो बीच में क्या आएगा आपके पास में, 25। तो यहाँ पे भी देखिए कितनी है, 25। अब यहाँ पे इसी तरह से अगर हम सारा चेक करते हैं तो अगर आप 40 पे भी जाते हो तो 40 के ऊपर देखिए कितनी है आपके पास में, 17 के ऊपर कितनी है आपके पास में, 40 है, क्लियर। और यहाँ पे भी आपके पास में कितनी गिवन है, हाँ जी 17 पे 40। दैट मींस कि जो दोनों ग्राफ है वो इक्वल है, ऑलमोस्ट आपके बिल्कुल ही सेम ग्राफ है, सिर्फ आपके पास में कहाँ पे फर्क आ रहा है, यहाँ पे जो आपकी जो वैल्यूज है इसके अंदर आपके पास में 5-5 का गैप है, ठीक है, और यहाँ पे आपके पास में कितना आ रहा है, 10-10 का गैप आ रहा है, क्लियर। सो देखते हैं अब क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको, तो क्वेश्चन के अंदर क्या है, कह रहा है फ्रॉम द फिगर्स इट इज ऑब्जर्व दैट द वैल्यू ऑफ ई इज डिफरेंट। अब यहाँ पे हमने चेक किया कि जो ई की वैल्यू है वो क्या है, दोनों की दोनों ग्राफ्स के अंदर हमारी सेम है, इक्वल है, और यहाँ पे क्या कह रहा है ये कि डिफरेंट है, दैट मींस कि ये आपकी स्टेटमेंट क्या हो गई है, रोंग हो गई है, क्लियर। अब उसके बाद में कह रहा है रेंजेस, रेंजेस द डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम एंड मिनिमम ऑफ ई इज डिफरेंस। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास में जो डिफरेंस था वो भी इक्वल था, तो यहाँ पे भी आपके पास में ये जो स्टेटमेंट है ये भी आपकी क्या हो गई है, रोंग हो गई है, ठीक है। अगला देखिए क्या कह रहा है, स्लोप ऑफ द ग्राफ आर सेम। अब स्लोप क्या होता है आपके पास में,
स्लोप की अगर हम बात करें तो स्लोप होता है आपका डिफरेंस इज वाई एंड डिफरेंस इन द एक्स एक्सिस। तो ये आपके पास में वाई एक्सिस है, वाई से यहाँ से आप कंफ्यूज मत होइए, जब आपके पास में कोई भी आप ग्राफ की बात करते हो तो ये आपके पास में वाई एक्सिस है और ये आपके पास में क्या है एक्स एक्सिस होता है। क्लियर। तो अगर यहाँ पे हम देखते हैं तो हमारे पास में जो वैल्यू आ रही है, जहां से हमारी वैल्यूज रिप्रेजेंट हो रही है, देखिए यहाँ से आपकी वैल्यूज रिप्रेजेंट हो रही है, तो ये कितनी हो गई है आपकी 40 माइनस 20। देखिए यहाँ से आप देखिए 40 माइनस 20। क्लियर। एंड माइनस यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो कितना आ रहा है 2017 माइनस, हाँ जी माइनस 2013। क्लियर। तो आपके पास में वैल्यू कितनी आ गई है यहाँ पे, कितनी आ जाएगी आपकी 20, सॉरी ये आपके पास में वैल्यू आ गई है 20 डिवाइडेड बाय 4, सो वैल्यू विल बी 5। क्लियर। अगर हम इधर इसी तरह से यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे भी आपके पास में जो स्लोप है, स्लोप क्या आ जाएगा यहाँ पे देखो, आपकी जो रिप्रेजेंटेशन शुरू हो रही है ये कहाँ से शुरू हो रही है, यहाँ से शुरू हो रही है 2013 की, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं मार्क है। क्लियर। तो यहाँ पे भी आपके पास में क्या आ जाएगा 40 माइनस 20 डिवाइडेड बाई 2017 माइनस 2013, दैट मीन्स कितना आ जाएगा आपके पास में, अगेन वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, स्लोप कितना आ गया आपके पास में, हाँ जी बताइए कितना स्लोप आ गया यहाँ पे आपके पास में, अगेन आपका स्लोप कितना आ गया है 5 विल बी द स्लोप। ठीक है। अब यहाँ पे देखो दोनों केसेस के अंदर यहाँ पे भी आपके पास में स्लोप कितना है 5 है, यहाँ पे भी स्लोप कितना है 5 है, दैट मीन्स कि यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट है क्या कह रही है, स्लोप ऑफ द ग्राफ आर सेम, दैट मीन्स ये क्या है आपकी करेक्ट है। क्लियर। अगला है रेट ऑफ द इंक्रीज ऑफ ई आर डिफरेंट, रेट ऑफ द इंक्रीज डिफरेंट। अब यहाँ पे देखिए कहाँ पे आपके पास में रेट डिफरेंट है, सेम ही है आपका है, तो ये भी आपके पास में क्या हो गई है, रॉन्ग हो गई है। तो स्टूडेंट्स आपका ये जो ऑप्शन है ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। क्लियर। हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो कि आपका 2009 के अंदर आया था। देखिए क्वेश्चन क्या है आपके पास में, द मीन मार्क्स ऑफ 100 स्टूडेंट्स, मीन मींस क्या होता है, अगेन आपका एवरेज ऑफ 100 स्टूडेंट्स इज गिवन, वर फाउंड टू बी 40। इसको भी मैं आपको दो मेथड से करवाऊंगी क्वेश्चन को। देखिए क्या कह रहा है कि आपके पास में जो 100 स्टूडेंट्स हैं उनका जो मीन है वो कितना गिवन है आपके पास में, 40 गिवन है। क्लियर। लेटर ऑन इट वॉज डिस्कवर्ड दैट द स्कोर ऑफ 53 वॉज मिसरीड एज 83, मीन्स जो स्कोर था वो जो आपका 53 आना था उसकी जगह पे उसको क्या मिसरीड किया गया है, 83 मिसरीड किया गया है। दैट मीन्स कि जो हमारी जो एवरेज है वो ज्यादा बन रही है, कितनी ज्यादा बन रही है, कितना इफेक्ट पड़ रहा है हमारी एवरेज के ऊपर, हमारी एवरेज कम बननी चाहिए थी। ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं इसको माइनस कर देती हूँ, ठीक है, तो मेरे पास में वैल्यू कितनी आ गई है आपके पास में, हाँ जी वैल्यू आ गई आपके पास में 30 आ गई। अब जो ये 30 का डिफरेंस है ये कितने स्टूडेंट्स पे आया है, जो एवरेज पे जो इफेक्ट पड़ेगा वो टोटल कितने स्टूडेंट्स पे पड़ेगा, 100 पे। तो अगर हम इसकी भी एवरेज फाइंड आउट कर लेते हैं, किसके जो हमारा एरर है, तो यहाँ पे आपके पास में वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0.3। अब 0.3 हमारा एक्स्ट्रा है और हमें अगर एक्चुअल लेके आना है तो हम क्या करेंगे, एक्स्ट्रा को उसके अंदर से माइनस कर देंगे। जब आप इसको माइनस कर रहे हो तो आपका जो एग्जैक्ट एवरेज जो आनी चाहिए वो कितनी आनी चाहिए, -0.3। तो वैल्यू आपके पास में कितनी आ जाएगी, 39.7। क्लियर है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपके पास में, 39.7। देखिए इसमें आपकी कैलकुलेशन कुछ भी नहीं है। अब दूसरा जो मेथड है, दूसरा मेथड क्या कहता है कि 100 स्टूडेंट्स हैं उनकी एवरेज कितनी है, 40 है, तो टोटल कितना हो जाएगा, टोटल हो जाएगा आपका पास में 4000 हो जाएगा। अब यहाँ पे आपकी जो मिसरीड हुई है वो कितनी है, 83। तो इसमें क्या करोगे आप, जब इसको करेक्ट करोगे तो क्या करोगे, +83 कर दोगे। ठीक है। और माइनस जो है आपके पास में जो वैल्यू आ रही है, ये यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो स्कोर है वो 53 था और आपने क्या मिसरीड कर लिया, उसको 83 कर लिया, तो प्लस करेंगे 53 और माइनस कर देंगे 83, तो आपके पास में एक नई वैल्यू आ जाएगी टोटल की, एंड देन यू विल डिवाइड
न्यू वैल्यू बाई 100। ओके, तो यहाँ पे भी देखिए यही है आपके पास में। ये देखो टोटल आपके पास में कितना हो गया, 4000 हो गया। अब ये आपकी रॉन्ग वैल्यू थी, ठीक है, इसको आपने माइनस कर दिया, और जो आपके पास में करेक्ट वैल्यू है उसको आपने प्लस कर दिया, तो आपके पास में टोटल न्यू टोटल आ गया आपका। अब जो एवरेज आप निकालोगे तो 100 ही है ऑब्जर्वेशन टोटल, तो डिवाइडेड बाई 100 वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास में, 39.7। क्लियर है? अब यहाँ पे थोड़ी सी कैलकुलेशन ज्यादा है, बट दोनों ही मेथड आसान है। क्लियर है? सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। ये क्वेश्चन अगेन आपका कब आया था, 2019 के अंदर आया था। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो यहाँ पे देखिए कि ए फैमिली हैज टू चिल्ड्रन अलोंग विद देयर पेरेंट्स। एक फैमिली के अंदर दो बच्चे हैं और उनके पेरेंट्स, मतलब कि टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने हो गए आपके पास में, 4 पर्सन हो गए। क्लियर? द एवरेज वेट ऑफ द चिल्ड्रन एंड देयर मदर इज 50 kg। एवरेज 50, दैट मीन्स टोटल विल बी कितना हो जाएगा आपका, 150। टोटल विल बी 150। तो यहाँ पे आपका चाइल्ड वन, हाँ जी चाइल्ड वन प्लस चाइल्ड वन प्लस चाइल्ड टू प्लस मदर विल बी इक्वल टू 150। हाँ जी, क्लियर है ये वाला पॉइंट आपको? अब नेक्स्ट आगे क्या कहा गया है क्वेश्चन में, द एवरेज वेट ऑफ द चिल्ड्रन एंड देयर फादर इज 52। मीन्स फादर, चिल्ड्रन, दो आपके चिल्ड्रन है, ठीक है, प्लस फादर कितना गिवन है आपके पास में, एवरेज गिवन है आपके पास में 52। 52 एवरेज गिवन है, तो टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कितने हैं आपके पास में, यहाँ पे 3 हैं, तो इसको भी आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास में, 156। अब देखो यहाँ पे आपके पास में फादर का वेट गिवन है, जब फादर का वेट गिवन है तो दोनों चाइल्ड का आप यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हो, तो फादर के अंदर, इसके अंदर से आप 60 को माइनस कर दोगे तो दोनों जो आपके चाइल्ड वन और चाइल्ड टू, इनका टोटल वेट आ जाएगा, और उसको आप यहाँ पे पुट कर दोगे तो क्या आ जाएगा आपका, मदर का वेट आ जाएगा। क्लियर है? तो देखिए समझ आ रहा है आई होप। यहाँ पे देखिए मैंने क्या बताया, चाइल्ड वन और चाइल्ड टू और मदर, तो आपके पास में टोटल कितना आ गया, 150। सेकेंड इक्वेशन के अंदर आपका 156। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया कि जो फादर है वो 60 है, तो C1 एंड C2 की वैल्यू कितने आ गया आपके पास में, 96। और इस 96 को हम यहाँ पे पुट कर देंगे 96। जब इस 96 को आप यहाँ पे लेके जाओगे, 150 माइनस 96, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 54। दैट मींस कि जो मदर है, मदर का वेट कितना आ गया आपके पास में, 54। क्लियर है? हाँ जी, तो देखिए जो आपके पास में हम डेली क्या कर रहे हैं, 5 क्वेश्चंस आपको टॉपिक के ऊपर लेके आ रहे हैं, बट आपको सारा टॉपिक प्रॉपर तरीके से क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो एवरेज पे बेस्ड आपके जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं तो आप सारे के सारे करने की कोशिश करिए। तो आपको क्या कर रहा है, आप अपने आप को रजिस्टर करवा सकते हैं, वहाँ पे आपको कंप्लीट इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा, जितने भी क्वेश्चंस इस पे बेस्ड है, इस पे बेस्ड आपका जितना भी जो है स्टडी मटेरियल है वो आपको मिलेगा। तो आपके डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, वहाँ पे जाके अपने आप को जो है रजिस्टर करवा सकते हैं। सो थैंक यू सो मच।